हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस में हमको समय के साथ अपने आप को, है ना, खुद को हमेशा अपडेट करना चाहिए। जो चीज ट्रेंडिंग में है हमको वही चीज पकड़ कर बिजनेस करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, उसका टीवी का मतलब मैकेनिक था, वो रिपेयरिंग करता था, लेकिन कौन सी टीवी, जो बड़ी वाली टीवी आती थी ना पहले, ठीक है, तो उसका बहुत अच्छा मैकेनिक था। लेकिन धीरे धीरे करके जब LCD LED मार्केट में आने लगी तो उसका बिजनेस कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि उसने मतलब अपने आप को अपडेट नहीं किया। उसको क्या करना चाहिए था, वो टीवी को साइड में रख के जो नई चीज आ रही है LCD या LED, उसका उसको मैकेनिक बनना चाहिए था, उसका रिपेयरिंग करने के लिए सीखना चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसको क्या फीलिंग आने लगी कि यार अभी काम मतलब कम आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा डर गया। लेकिन उसने गलती क्या की थी, उसने अपडेट नहीं की। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण और एक देता हूं। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि हमारे मतलब इंडिया में हर तरफ इलेक्ट्रिक कार का चलन आ रहा है, ठीक है, हर जगह पर चार्जिंग वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे 10 साल या 15 साल के बाद मतलब मैक्सिमम, है ना, रोड पर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी ही दिखने वाली है। ये जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी यानी कि कम हो जाएगी। तो हमारे जो आज के मैकेनिक है ना, गैराज वाले जो है, उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। यानी कि उनको जो ये नई इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आएगी उसका मैकेनिक का काम सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो आगे जाके उनको तकलीफ होगा और फिर उनको भी शायद वही फीलिंग आएगी कि शायद यार अभी काम कम हो रहा है या मैं सही ढंग से कर नहीं पा रहा हूं। तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, जैसा जमाना चल रहा है ना, उसी के साथ जो चीज ट्रेंडिंग में है उसी पे काम कीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग चाय की बिजनेस के बारे में बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, तो देखो आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आपको बता दो। टी आउटलेट यानी कि जो बड़े बड़े आप देख रहे हो ना, ये ओले हो गया, या फिर सुट्टा बार हो गया, प्रेमा सा चाह हो गया, या फिर पाटीदार रजवाड़ी चाय हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जिन्होंने मतलब टी का आउटलेट डाल के अच्छी खासी मोटी कमाई हो रही है। और आजकल जो नए टी में बिजनेस में एंट्री मार रहे हैं, उन लोग क्या गलती कर रहे हैं कि वही मतलब एक कुछ चाय पत्ती खरीद रहे हैं, उसको छोटा बड़ा पैकेट बना बना के सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कीजिए, लेकिन जो ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, जैसे कि अभी मई का महीना चालू है, जून से बारिश आ जाएगी, फिर है ना ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा, तो इस ये धंधा जो टी आउटलेट का, ये ज्यादा पिकअप चले पकड़ेगा, बिकॉज ठंडी में आपको पता है लोग चाय ज्यादा पीते हैं। तो मेरा आपको मतलब यही बताना चाहता हूं कि अगर आप चाय के बिजनेस में आना चाहते हो तो कहीं ना कहीं, है ना, एक छोटा सा टी आउटलेट रिटेल स्टोर आपका होना चाहिए। एक अच्छा खासा, जैसे कि मैंने चार नाम बताए, वो लेवल का खुलने के लिए मुझे पता है रेवेन्यू फंड यानी कि पैसे बहुत लगते हैं, 8 लाख 10 लाख 12 लाख, ठीक है। अगर आपको वो लेवल का खोलना है तो 2-4 जन 5 जन जुड़ जाओ, आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड में, जो भी आपके कलीग है, अगर मिलके कर सकते हैं, अगर आप अकेले के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं तो कोई छोटा मोटा टी स्टॉल भी आप खोल के, बिकॉज देखो उसमें ना ही मतलब हमको माल बेचने जाना पड़ता है, ना ही क्रेडिट, ना ही कुछ, यानी कि जो भी है रोकड़ा धंधा। और मैं आपको लमसम बता दूं, अगर आप 10 रुपए की चाय बेचते हो तो 5 रुपया यानी कि 50% आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आप 10 रुपए की चाय बेचते हो। अब मान लो अगर दिन भर में आपका 8-10 हजार का गल्ला होता है, 8 हजार का ही होता है, तो 4 हजार रुपए आपका प्रॉफिट है। धीरे 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 करके पिकअप पकड़ेगा, और जिस दिन आपका जो ब्रांड है यानी कि जो ब्रांड वैल्यू बन गया ना, मतलब लोगों की गर्दी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ेंगे कि भाई हमको फ्रेंचाइजी दे दो, ये दो। तो जैसे जैसे आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ेगी आपका नाम भी बढ़ता जाएगा। अगर आप टी आउटलेट खोलने की इच्छा रखते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, मेरा खुद का पर्सनल नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें, मतलब जो एक डर होता है ना
कि फॉर्मूला कैसे बना है, मतलब चाय कैसे बना है, वो सारी चीजें मैं आपको मतलब बनाने में मदद कर दूंगा, आपकी चाय एक अच्छी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे बताना कि आप अपने ब्रांड का मतलब है ना एक टी आउटलेट खोलना चाहते हो, टी स्टॉल खोलना चाहते हो, या फिर किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो। बस आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।